तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो के साथ। तो दोस्तों आज हमारे पास है Redmi का A1 और A2 मॉडल। तो दोस्तों इसमें जो A1 मॉडल है ये बहुत ज़्यादा हैंग करता है और A2 जो है वो सही चलता है, हैंग नहीं करता। देखने में दोनों मॉडल सेम है, आपको ऐसा लगेगा कि इसमें कोई भी फ़र्क नहीं है। आज हम इसका कंपेरिजन करेंगे और वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना, आपको पता चल जाएगा कि ये क्यों हैंग करता है। बहुत सारी चीज़ें जो है इनमें सेम है, लेकिन दोस्तों जो इसमें चिपसेट वगैरह दिए गए हैं वो अलग अलग दिए गए हैं, इसलिए ये फ़ोन हैंग करता है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको इसकी बैक दिखा देते हैं। बैक में आपको दोनों कैमरे सेम मिल जाएंगे, साइड में फ्लैश जो है वो सेम मिल जाएगी। और दोस्तों अगर बात करें इसके बॉटम की तो बॉटम भी आपको सेम ही दिख जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पर CC दिया गया और साथ में हेडफोन जैक दिया गया है, और फ्रंट भी आपको सेम दिखने को मिल जाएगी। तो Redmi A1 की जो डिस्प्ले है वो IPS डिस्प्ले दी गई है, और Redmi A2 की भी IPS डिस्प्ले ही दी गई है। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं इसके रिफ्रेश रेट की। दोनों का रिफ्रेश रेट जो है वो है 60Hz। उसके बाद साइज पर आ जाते हैं। साइज भी दोस्तों 6.52 इंच का है, दोनों का ही 6.52 इंच का है। उसके बाद आ जाते हैं दोस्तों इसके चिपसेट के ऊपर, जिसके कारण ये जो फ़ोन है वो हैंग करता है। तो दोस्तों जो हमारा Redmi का A1 है उसमें MediaTek Helio A22 चिपसेट दिया गया है, और बात करें अगर A2 की तो A2 में दिया गया है MediaTek Helio G36। तो दोस्तों इसके कारण ये जो फ़ोन है वो हैंग करता है। आगे चलकर आपको और भी बताते हैं। अभी चलते हैं दोस्तों इसकी CPU की तरफ। इसका जो Redmi A1 का CPU है वो क्यूड कोर 2.0 GHZ दिया गया है, और वहीं बात करें अगर A2 की तो A2 का ओक्टा कोर 2.2 HZ दिया गया है, जो कि A1 से बहुत बढ़िया है। तो उसके बाद दोस्तों इसके एंड्रॉयड वर्जन की बात करते हैं। तो इसमें MIUI का 12 वर्जन दिया गया है, और A2 में भी MIUI का 12 वर्जन ही दिया गया है। अगर कैमरे की बात करें तो दोनों का कैमरा भी सेम ही है, कोई भी फ़र्क है नहीं। बैक कैमरा भी दोनों 8-8 मेगापिक्सल के दोनों में दिए गए हैं। तो इन दोनों में दोस्तों सिर्फ यही फ़र्क है कि इनका जो CPU और चिपसेट है ये दोनों अलग अलग दिए गए हैं, जिसके कारण A1 जो है वो हैंग करता है और A2 जो है वो हैंग नहीं करता। तो दोस्तों दोनों में से आपको अगर आप ख़रीदना चाहते हैं तो A2 खरीदिए, तो 200-400 रुपये का आपको फ़र्क मिलेगा, लेकिन दोस्तों आपका जो फ़ोन है वो हैंग नहीं करेगा। ऐसा नहीं बोलूँगा कि बिल्कुल हैंग नहीं करेगा, A1 की तरह ज़्यादा हैंग नहीं करेगा, थोड़ा बहुत हैंग तो फ़ोन करते ही हैं। तो दोस्तों ये छोटी सी जानकारी थी आपके लिए। अगर आप ऐसी और वीडियो देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद दोस्तों।